हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू का पोयम जो है अ टाइगर इन द जू उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। देखो, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कंपेयर करना। ठीक है, तो एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो जंगल में होता है, इस दोनों के बीच कंपैरिजन किया गया है इस पोयम में। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। तो पहले पोयम में जू वाले टाइगर के बारे में बताया जाएगा, फिर जंगल वाले टाइगर के बारे में, एंड बैक अगेन टू द जू, फिर जू वाले के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, रीड द पोयम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। अब देखिए कौन सा आपका जू वाले टाइगर के बारे में और कौन सा जंगल वाले टाइगर के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ही स्टॉक्स इन हीज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हीज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हीज क्विट रेज। देखिए, रेज मीन्स होता है एंगर। ठीक है, रेज मीन्स होता है एंगर, और स्टॉक मीन्स होता है, स्टॉक मीन्स देखते हैं शेर क्या करता है, एकदम झाड़ी के पीछे छिपा रहता है अपने शिकार को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए एकदम छिपा रहता है, और वहाँ से एकदम देखता रहता है, स्टॉक करता रहता है, क्या करता रहता है, स्टॉक करता रहता है, ध्यान से देखता रहता है। तो कह रहा है इसमें कि ही स्टॉक्स इन हीज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्विट रेंज। देखो, शेर का काम क्या है, दबे मतलब उसका जो पैर होता है वो दबे पाँव से चलता है। तो वो क्या करता है, दबे पाँव से चलता है, वो हल्ला करके नहीं चलता है। ठीक है, और उसके उसका जो बॉडी है उस पर देखना कि स्ट्रिप्स ऐसे करके बना रहता है ना, उसके बॉडी पर ऐसे करके स्ट्रिप्स बना रहता है। तो इस पहले स्टैंजा में ये कह रहा है कि वो जो टाइगर है ना, वो टाइगर अपने केज में ही घूम रहा है, मतलब उसका जो पिंजरा है वो उसी में मूव कर रहा है, और इन हिज क्वाइट रेज मतलब अपने गुस्से को शांत रखते हुए, अपने गुस्से को छुपा कर रखते हुए। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है फिर भी वो उसी में मूव कर रहा है। लेकिन एक शेर क्या होता है, शेर जंगल में मूव करता है पूरे हर जगह पर, लेकिन यहाँ पर वो बॉन्ड हो गया है सिर्फ और सिर्फ एक केज में, एक पिंजरे में, इस पिंजरे से वो बाहर नहीं जा सकता है। तो है तो वो बहुत गुस्से में, और गुस्से में वो क्या कर रहा है, अपने केज में मूव कर रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। देखो अब क्या बोल रहा है कि कहीं पर एक पानी का जो जगह है वहाँ पर घास है, ठीक है, इधर पानी है, तो जब भी कोई जानवर पानी पीने आता है तो शेर क्या करता है, जंगल वाला शेर छुप के हमला करता है, इधर से छुप के स्टॉक करता रहता है ना, देखता रहता है, और जैसे ही मौका मिलता है वो उस पर अटैक करता है। तो ये जंगल वाला शेर जो है, इसको तो पूरा जगह मिलता है स्टॉक करने का, पूरा जगह मिलता है इसको अपना हंटिंग करने का, शिकार करने का, लेकिन जो ऊपर जो बताया गया जू वाले के बारे में, तो क्या था वो सिर्फ और सिर्फ अपने केज में ही, छोटे से केज में ही अपने घूम पा रहा था। तो वहाँ तो वो हंटिंग थोड़ी करेगा, शिकार थोड़ी करेगा, लेकिन जो जंगल रहता है, जंगल में क्या करता है, वो जंगल में अपना शिकार करता है ना। ही शुड बी स्नारलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज। जंगल वाला शेर क्या करता है, जंगल के किनारे जो भी घर रहते हैं वहाँ जाकर स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब होता है दहाड़ना, शेर दहाड़ता है ना, रोअर करता है, तो क्या करता है, वहाँ जाकर हल्ला करता है, दहाड़ता है, बेयरिंग हिज वाइट वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब होता है दांत, ठीक है, हिज क्लॉज टेराइजिंग द विलेज, अपना दांत दिखाकर, अपना पंजा दिखाकर क्या करता है, विलेज को मतलब गांव वालों को सबको डराता है। शेर को देखे नहीं हो, जैसे पहुंचता है शेर बस सब भागना शुरू, शेर आया, तो शेर भी क्या करता है, दहाड़ के अपना दांत दिखा के, अपना पंजा दिखा के लोगों को डराता है। लेकिन बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इज नो इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन अब वो कहाँ है, जो शेर है वो
सेल के अंदर, मतलब ये जो उसका पिंजड़ा है उसके अंदर है बंद, उसके अंदर क्या है लॉक है, बंद है उसका, यानी कि उसका जितना भी ताकत है ना, उसका जितना भी ताकत था डराने का, हंटिंग करने का सारा बार के अंदर ही रह गया, मतलब इस जेल के अंदर ही रह गया ताकत उसका। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, क्या करता है फिर अपने पिंजड़े को देखता है, अपने पिंजड़े को देखता है ठीक है, कि ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं, कैसे किसी को डराएंगे, तो जो भी विजिटर्स आता है उसको इग्नोर कर देता है। देखो एक और टर्म्स में इसको बोल सकते हैं इग्नोर करने का, कि इग्नोर ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जान रहा है कि हम अपने पिंजड़े में बंद हैं, हम इस पिंजड़े से बाहर निकलने वाले नहीं हैं, यानी कि सैड है, इसका इंटरेस्ट नहीं है विजिटर्स में, जो भी विजिटर्स इससे मिलने आ रहे हैं उसमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है टाइगर का, है ना, इसलिए क्या कर रहा है उनको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि जान रहा है कि मेरा जो पिंजरा है कितना बड़ा है, उसका क्या लेंथ है क्या नहीं है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो जैसे ही रात होता है ठीक है, जैसे ही रात होता है तो रात में वो आखिरी आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, और फिर उसके बाद से मतलब जब रात हो गया तो क्या, रात हो गया तो मिलने कोई थोड़ी आएगा इसके सेल में, मतलब इसको देखने कोई थोड़ी आएगा टाइगर देखने ठीक है। तो रात में आखिरी आवाज़ होती है पेट्रोलिंग कार की, और ये क्या करता है फिर उसके बाद से अपना आसमान की तरफ देखता रहता है, वही अपना सोचता रहता है कि जंगल का लाइफ मेरा कैसा था, यहाँ कैसे हो गया, हम सोए हुए थे, हम अपना मूव कर रहे थे, अचानक से हमको उठा कर ले आया यहाँ ज़ू में, हम कहीं और थे, हमको बेहोश किया लेकर चलाया ज़ू में, आँख खुला ज़ू में ठीक है। तो ये कंपेयर था, कॉन्ट्रास्ट था आपके जंगल वाले ज़ू का और केज वाले ज़ू का। केज वाला ज़ू क्या है, उसका पावर का सारा पावर रहता है उसके सेल में, उसका केज में, उससे बाहर नहीं है ना, वो उसी में मूव करेगा, खाएगा पिएगा जो करेगा उसी में करेगा। लेकिन जंगल वाले का क्या होता है, जंगल वाले का क्या होता है, उसको पूरा जंगल मिला हुआ है, वो जंगल में अपना वो छिप छिप के शिकार करेगा ठीक है। जंगल वाला और क्या करता है, अपने दहाड़ से, अपने दांत से, अपने पंजे से सब लोग को डराता है। लेकिन जू वाला क्या है, जू वाला तो मजबूर है, उसका जितना पावर है उसके केज के अंदर है, तो वो ऐसा नहीं कर पाता है। रात होती है, रात में आखिरी आवाज़ पेट्रोलिंग कार का सुनता है ठीक है, और ऊपर बस आसमान की तरफ देखता रहता है, अपना ज़िंदगी के बारे में सोचता रहता है, कहाँ हम जंगल में थे, अचानक से उठाकर हमको यहाँ ले आया और मेरा लाइफ ऐसा हो गया। होप सो समझ में आ गया होगा पोयम। इस पोयम के राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। कौन है, लेस्ली नॉरिस ठीक है। तो ये पोयम समझ में आ गया, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।